नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार उनकी सुनवाई की तारीख को टाला जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में उनकी सुनवाई हुई और एक बार फिर से नई तारीख मुकर्र कर दी गई, वो 19 फरवरी की। आपको बता दें कि इससे पहले 22 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हो चुकी है। कई सारी बातें सामने आई लेकिन फिर भी झारखंड हाईकोर्ट को संतुष्टि नहीं मिली। उनका कहना था कि झारखंड सरकार की तरफ से पूरी तरीके से स्पष्टीकरण देना है और SOP बकायदा हाईकोर्ट में पेश करना है। इसके अलावा उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिए थे कि लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें कल नहीं हुई। अब इसको लेकर हाईकोर्ट ने कई सारी बड़ी बातें और कड़े निर्देश लालू प्रसाद यादव को लेकर दे दिए हैं। क्या कुछ हुआ कल हाईकोर्ट में और किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको बताते हैं। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और रिम्स निदेशक को शो कॉज जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि इसके लिए रिम्स प्रबंधन को पूर्व में 2 बार आदेश दिया गया, लेकिन उनकी ओर से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में क्यों नहीं दाखिल की गई। अदालत ने रिम्स निदेशक को अंतिम मौका देते हुए मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद की ओर से बताया गया कि उन्हें रिम्स प्रबंधन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट मिली है। इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जाएगा। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही उन्हें एम्स स्थानांतरित किया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के बाद ही चल पाएगा पता कि लालू को एम्स भेजने का निर्णय आखिर क्यों लिया गया। कोर्ट ने मामले में तल्खी दिखाते हुए कहा कि रिम्स ने मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है। उक्त रिपोर्ट सबसे पहले कोर्ट में पेश की जानी थी। इस पर सरकार ने कहा कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के जरिए रिम्स से रिपोर्ट मांगी गई थी, तब जाकर उन्हें उक्त रिपोर्ट मिली है। अदालत ने कहा कि पिछले 2 सुनवाई से अदालत मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन रिम्स कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जेल से बाहर इलाज कर रहे कैदियों की सुरक्षा को लेकर बनी SOP में कोर्ट के सुझाव के अनुसार संशोधन किया गया है। संशोधित SOP गृह विभाग को भेजी गई है। गृह विभाग ने इस SOP को अप्रबंधिक मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं जेल मैनुअल में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। तब तक SOP के तहत जेल में रहने वाले कैदियों को सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। तो आपको बता दें कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। वो इसलिए क्योंकि खासकर इस मामले में, यानी कि जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में, कई बार उनकी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने की वजह से लगातार कोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख लालू प्रसाद यादव को मुकर्रर की जा रही है। अब ऐसे में कोर्ट का कहना है कि जल्द से जल्द अगली तारीख को उन्हें एम्स में जो इनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उन्हें चाहिए, उसके बाद ही इस मामले में कोई भी कदम, कोई भी फैसला कोर्ट आगे सुनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।